So we were discussing about the mole concept. You just have to remember this diagram, this flow chart that is going to link you to the different things like mole and the atoms on this side. Okay, treat your head as mole. Okay. And both the sides, one is atom and one is mass. ठीक है, तो head से जब आपने arms में जाना है multiply करना है, और जब आपने arms से वापस head में आना है तो divide करना है. Okay, so mole to mass multiply, mole to atoms multiply, then when you have to go back from atoms to mole, then you have to divide. Again here you have to divide किससे, by Avogadro's number, and here you will be dividing by molecular mass, molar mass, atomic mass. ठीक है, अगर molecule दिया है तो molecule का mass आ जाएगा जिसको आप molar mass भी कहते हो, अगर atom दिया है तो atom का आपने atomic mass लिख लेना. Okay, now write down one numerical. कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स. आपको क्या नहीं पता है, यू डोंट नो द नंबर ऑफ मोल्स दैट आर प्रेजेंट इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम, दैट आर प्रेजेंट इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम. अब आपने निकालना है 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने मोल्स हैं. ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू फॉलो इज मूव फ्रॉम नोन टू अननोन. क्या गिवन है आपको, दिस इज गिवन. ओके, दिस इज गिवन टू मी, ग्राम्स है 52 ग्राम, ग्राम मतलब मास. ओके, सो दिस इज गिवन और दिस इज नोन. ये आपने फाइंड करना है, दैट इज अननोन. सो मूव फ्रॉम किससे कहां तक जाना है, नोन टू अननोन. यू हैव टू मूव फ्रॉम नोन टू अननोन. तो हमारी एरो हमें कहां तक लेके जा रही है, सीधे लेके जा रही है. ये मुझे पता है, ये मुझे नहीं पता है, तो मैं मूव करूंगी नोन जहां से मुझे पता है टू द अननोन. तो दिस एरो इज फॉलोइंग, ये वाली एरो इसको सिमिलर है, दिस एरो इज सिमिलर टू दिस एरो, जो आपको क्या कह रही है कि आप उसको डिवाइड करो बाय द मास, एटॉमिक मास, मोलर मास, जो भी आपको गिवन है. ओके, सो आई विल बी राइटिंग दिस 51.2, जो मुझे गिवन था, गिवन मास 51.2, नो सॉरी 52, नॉट 51.2, 52. ओके, इसको अब मैंने क्या करना है, आई विल बी डिवाइडिंग इट बाय द एटॉमिक मास. हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक मास कितना हो जाता है बेटा, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, यू कैन गिव योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स बेटा. यस, वेरी गुड, 4. हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, तो हम 52 को किससे डिवाइड कर देंगे, बाय 4. व्हाट इज द आंसर, राइट डाउन योर आंसर्स आल्सो, 13 मोल्स. साथ में यूनिट्स मेंशन करने बहुत जरूरी हैं, ठीक है, हमने जो निकाला है हमने वो मेंशन भी करना है साथ में. मोल्स, मास निकालना है तो ग्राम्स, नंबर निकालने हैं तो एटम्स. ओके, right, so this is the another type. Renuka, you can lower your hand now. Is same related humne pehle kiya tha. Okay, now coming to the next numerical, write down the next numerical. Calculate the mass of 0.5 moles of 0.5 moles of N2 गैस, जो मैंने आई गैस 9B वालों को होमवर्क में दिया था, एंड 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम. अब हियर यू कैन सी इफ दे आर टॉकिंग अबाउट एटम, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट एटम, तो यहां पर हमने सिर्फ N एटम देखना है. If they are talking about atom, तो हमने सिर्फ एक नाइट्रोजन का एटम देखना है. अगर वो गैस कह रहे हैं तो मैंने N2 को देखना है. देखो कितना डिफरेंस हो गया,
मास का डिफरेंस हो गया ना यहाँ पे, अगर अकेला एक एटम बोला है तो मैं 14 ग्राम लूंगी मास, अगर मुझे n2 कह दिया है तो यानी कि मैं 14 प्लस 14 करूंगी, आई विल बी डूइंग 14 प्लस 14 तभी ये 28 आएगा. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द मास. मास कैलकुलेट करना है, ये वाला मास कैलकुलेट करना है. गिवन मास क्या दिया है मुझे, व्हाट दे हैव गिवन, दे हैव गिवन मोल. हां जी बेटा, आपको क्या गिवन है, मोल गिवन है. दिस इज गिवन टू यू, दिस यू हैव टू फाइंड. जहां पर हमने फाइंड करना है वहां पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि ये मुझे नहीं गिवन है बट मुझे उन्होंने मोल दिया हुआ है. मूव फ्रॉम नोन टू अननोन, ये पता है. दिस इज गिवन, मेक अ एरो लाइक दिस कि मैंने ऐसे मूव करना है. अब कौन सी एरो आप फॉलो करोगे, मल्टीप्लाई वाली के डिवाइड वाली. आपको मल्टीप्लाई वाली एरो इधर लेके जा रही है, डिवाइड वाली एरो इधर लेके जा रही है. सो वी विल बी फॉलोइंग द एरो ऑफ मल्टीप्लाई जो हमें इधर लेके जा रही है. ओके, वी विल बी फॉलोइंग द एरो ऑफ मल्टीप्लाई. तो ये एरो हमें क्या कह रही है कि जो आपको मोल गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, किसके साथ, मोलर मास के साथ. ठीक है, तो जो मोल मुझे गिवन है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी विद दी, यहाँ पर एक एटम है एक मॉलिक्यूल है. पहले अगर मैं इसका निकाल लूंगी तो मैं इसको 28 से मल्टीप्लाई करूंगी. सेकंड केस में जब मैं इसका निकालूंगी तो मैं इसको 14 से मल्टीप्लाई करूंगी. पेपर में ये चीज देखनी है बेटा आपने, यू हैव टू सी वेदर दे आर गिविंग यू एटम और वेदर दे आर गिविंग यू गैस, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको आएगी ओ टू एच टू एन टू सी एल टू इनके केस में. ये आपको अगर गिवन होंगे आपने हर जगह देखना है कि वेदर दे आर टॉकिंग अबाउट द एटम और दे आर टॉकिंग अबाउट द गैस. ओके, तो जहां पर भी ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्लोरीन होंगे, ठीक है, आपने वहां पे देखना है. तो 0.5 इंटू 28 करोगे तो डेट विल बी गिविंग यू 14 ग्राम्स एंड 0.5 इंटू 14 करोगे डेट विल बी गिविंग यू 7 ग्राम्स. तो मैंने ग्राम्स लिखा है साथ में क्योंकि मुझे क्या पूछा है, मास पूछा है, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ग्राम्स. ओके, इज दिस क्लियर. हां जी बेटा, क्लियर हो गया है ये. चलिए अब एक और नेक्स्ट करते हैं. अब मैंने मोल से आपको यहां तक ग्राम्स वाले करवा दिए हैं. ओके रेणुका, What we have to do is we have to multiply 0.5 with 28. क्योंकि एरो हमें कह रही है कि मोल को मल्टीप्लाई करो विद द मोलर मास. तो मोलर मास कितना है इसका, 28. तो 0.5 को 28 से मल्टीप्लाई कर दिया. सेकेंड में ये कह रहे हैं कि 0.5 को 14 से मल्टीप्लाई करो, तो मैंने 14 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको. ठीक है जी, धीरेन बोलिए बेटा. मैम हमें एग्जाम में भी, एग्जाम में पहले ऐसे लिखने की मास ऑफ नाइट्रोजन लिखना, उसके बाद उसको सॉल्व करने, फिर सीधा ऐसे 0.5 into 28. ये मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आपने ऐसे करना है, बट इन द पेपर यू हैव टू राइट डाउन द एग्जैक्ट फॉर्मूला. ठीक है, आपसे पूछा क्या है, मास, मास ऑफ और गिवन मास इट कैन बी कैलकुलेटेड. कैसे कैलकुलेट करना है, जो आपकी मोल है यू विल बी मल्टीप्लाइंग इट विद द मोलर मास. ऐसे किया ना हमने, मोलर मास, एटॉमिक मास. तो आपने ये सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं वहां पे, जो आपका गिवन मास है आपने कैसे निकाला है, जो मोल थे उनको मल्टीप्लाई करके, देन इन द नेक्स्ट लाइन यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर. ओके, इन दीज क्वेश्चन देयर विल बी स्टेप मार्किंग. तो अगर आपने फॉर्मूलाज लिखे हैं, वैल्यूज पुट की हैं, राइट आंसर निकाला, तो उन सबके स्टेप वाइज जो है वो आपको मार्किंग की जाएगी. ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दोगे, बाकी दो स्टेप्स नहीं किए होंगे, उनके मार्क्स कट जाएंगे. Is it clear? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं बेटा. नाउ विल बी डूइंग अबाउट सम नंबर्स ऑल्सो. ठीक है, मास कर लिया है, अब इधर को जाते हैं, अब थोड़े से एटम्स या एटम्स के नंबर्स को डिस्कस करते हैं. सो राइट डाउन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स इन 2.5 मोल ऑफ कैल्शियम. Calculate the number of calcium atoms
इन 2.5 मोल ऑफ कैल्शियम. अगेन वी विल बी मूविंग फ्रॉम नोन टू अननोन. व्हाट इज गिवन टू यू, दिस मोल इज गिवन टू यू. व्हाट यू हैव टू फाइंड एटम्स, दिस इज अननोन. यू हैव टू फॉलो द एरो दैट इज टेकिंग यू टू दिस साइड लाइक दिस. ठीक है, यू हैव टू मूव फ्रॉम नोन टू अननोन. तो हमें ये वाली एरो जो है वो लेके जा रही है. ठीक है, इधर वो कौन सी एरो है, मोल से हमने एटम्स में जाना है. हाँ जी, कौन सी एरो है, मल्टीप्लाई और डिवाइड. द एरो इज ऑफ मल्टीप्लाई, वेरी गुड. ठीक है, तो जो मेरे मोल्स हैं उनको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, जो मेरे मोल्स हैं उनको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी. आई विल बी मल्टीप्लाइंग देम विद द व्हाट इज एन नॉट, एवोगैड्रो नंबर. वेरी गुड, एंड एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 into 10 raised to power 23. Now see how you have to solve such type of numericals. आप मैथ्स में आप पढ़ के आए हो ये पावर्स का कंसेप्ट. ओके, तो आप इस 2.5 को आइदर यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस. ठीक है, तो 25 को 6 के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो. अगर आपने सारे के साथ करना है सारे के कर लो. ठीक है, ये 10 जब ऊपर जाएगा तो यहां से एक पावर जो है वो कम हो जाएगी. ओके, दिस 10 व्हेन इट विल बी मूविंग अप तो ये माइनस आ जाएगा, इसकी माइनस 1 पावर आ जाएगी. तो 25 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 22 एटम्स. एटम्स पूछे थे ना, तो साथ में मैंने एटम्स भी साथ में लिखना है. दैट इज इंपॉर्टेंट टू राइट. ओके, एटम्स दे आर इंपॉर्टेंट टू राइट. हाँ जी, एग्जैक्ट आंसर बताओ बेटा, व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर, गिव मी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ 25 इंटू 6.022. दैट इज नॉट 100 ग्राम्स. That is 15.055 into 10 raised to power. Very good. 23 है with 15. Answer मैं लिख देती हूँ यहाँ पर. Now 15.055. Is this the correct answer? 15.055. Into 10 raised to power 23 atoms. If you are going to write it as 23, अगर तो यहाँ पे power 23 है तो आपका 15 बनेगा. अगर ये power 22 है तो here you will be getting the answer like this. Okay? In both the ways your answer is correct. अब आपने दो तरह से answer लिखा है, ठीक है? बस power का फर्क है. Your answer is correct in both the ways. But each and every time we have to try कि हम अपना answer कैसे express करें. Either you will be expressing your answer one digit के बाद point or two digits के बाद point. Normally ये accepted है. Okay? या तो आप one digit के बाद point express कर सकते हो, two digits के बाद point express कर सकते हो. ठीक है? Answers दोनों ठीक हैं. बट जब आप हायर क्लासेस में जाओगे आप पढ़ोगे कि जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है पॉइंट्स में एक्सप्रेस करने का वो 1 से 2 डेसिमल तक का होता है बस. ओके, योर आंसर इज करेक्ट इन बोथ द वेज. मैं ये नहीं कह रही कि एक गलत है एक सही है, आंसर दोनों का ठीक है क्योंकि दोनों में पावर्स अलग है. ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया. स्टैंडर्ड क्राइटेरिया में एक डेसिमल के बाद, एक वैल्यू के बाद या दो वैल्यूज के बाद आप डेसिमल को आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, नवरमनीक, व्हाट वी हैव डन इज हमने 25 को मल्टीप्लाई किया है विद 6.0225 के साथ. आप 25 को डायरेक्टली कर लो, ठीक है, या जो आपको 2.5 गिवन है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो. ओके, इज दिस क्लियर टिल दिस स्टेप, क्लियर टिल दिस स्टेप. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. और ऐसे ही सो राइट डाउन
कैलकुलेट द नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन वन मोल ऑफ S8। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, कैलकुलेट द मोल ऑफ सल्फर एटम्स इन वन मोल ऑफ S8। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन वन मोल ऑफ S8। आपने क्या निकालना बेटा? सल्फर एटम। मैंने आपको बोला है एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, बोला है ना अभी, ठीक है। एटम में एक सिंगल एटम की बात करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 है 3 है 4 है जितने भी हैं। अब यहाँ पर वो एटम्स पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि एक एटम का निकाल लो, ठीक है, बट मोल में हमारे पास S8 है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है, सिंपली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द नंबर, हमने ये निकालना है। गिवन क्या है? मोल, दिस इज गिवन टू यू। मूव फ्रॉम, यू हैव टू मूव फ्रॉम नोन टू अननोन। तो कौन सी एरो फॉलो करेंगे? मल्टीप्लाई वाली। मल्टीप्लाई वाली एरो कह रही है कि जो आपको मोल गिवन है, जो आपको मोल गिवन है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करो? एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो। कितने मोल दिए हैं उन्होंने मुझे? दे हैव गिवन मी 1 मोल। तो मैं 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी? एवोगैड्रो नंबर के साथ। पर क्योंकि उन्होंने मेरे से एटम्स पूछे हैं, ओके, दे आर आस्किंग अबाउट द एटम, तो ये तो पूरा एक मॉलिक्यूल था, तो यानी कि अगर उसमें से एक एटम का निकालना होगा, आई विल बी मल्टीप्लाइंग इट विद द डॉट नंबर। तो मैंने इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। तो इससे आपका एक एटम का निकलेगा। इज दिस क्लियर? दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, तो ये ऐसे टाइप वाले आपने याद रखने हैं। हाँ जी बोलिए धीरेन। मैम S8 लिखा हुआ, तो इसलिए हमने 8 से मल्टीप्लाई किया था कि एक एटम निकले। हाँ जी, आपने एक एटम का निकालना है, ये पूरे मॉलिक्यूल का है, ठीक है। दिस इज फॉर द और मैम अगर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अगर ओजोन दिया था, O3 दिया था, तो हम 1 2 3 मल्टीप्लाई कर देना, 3 से जो भी नंबर लिखा हो उससे मल्टीप्लाई कर दो बस। S8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। आगे एक दो न्यूमेरिकल्स ऐसे आएंगे और मैं करवाऊंगी, ठीक है। बट यू हैव टू रिमेम्बर, राइट, दिस इज द स्पेशल केस बिकॉज हेयर दे आर आस्किंग अबाउट द एटम्स। दिव्या यहाँ पे वो हमसे एटम पूछ रहे हैं, एक एटम का पूछ रहे हैं, सल्फर के एक एटम का, बट हमें पूरा मॉलिक्यूल दिया हुआ है S8 के साथ। तो अगर हमने एक का निकालना है तो हम उसको क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। इज दिस क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट राइट डाउन नाउ। राइट डाउन द नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, आपने मोल्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा उसका आंसर तो बताया नहीं आपने मुझे। द आंसर वॉज 4.818 × 10^24, ठीक है। आंसर इज 4.818 × 10^24 एटम्स, क्योंकि एटम पूछे हैं तो लास्ट में एटम्स लिखने जरूरी है। ओके, सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, हमने क्या निकालने हैं? मोल्स निकालने हैं। किसमें? मोल्स ऑफ 12.046 × 10^23 एटम्स, × 10^23 एटम्स ऑफ हीलियम, 23 एटम्स ऑफ हीलियम। चलिए, यू हैव टू फाइंड द मोल्स, ठीक है, यू हैव टू फाइंड द मोल्स।
फॉर्मूला देखो, ये फाइंड करना है, ये आपको गिवन है, एटम्स आर गिवन टू यू, मूव फ्रॉम नोन टू अननोन। हाँ जी, चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे एरो क्या कह रही है आपको, व्हाट द एरो इज सेइंग, डिवाइड। डिवाइड किससे डिवाइड करेंगे, विद विच वी विल बी डिवाइडिंग दिस, विद द एवोगैड्रोस नंबर। वेरी गुड, तो इसको सिंपली हम इसके साथ डिवाइड कर देंगे। बट इन द पेपर यू हैव टू राइट डाउन द ईच एंड द एवरी फॉर्मूला दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द एटम्स डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर। फिर आप नेक्स्ट टर्म में ये लिखोगे कि जो आपको गिवन एटम्स हैं उसको आपने डिवाइड किया है, एंड इन द नेक्स्ट लाइन यू विल बी गिविंग योर आंसर। NH2+23 दे विल कैंसिल आउट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट, बिल्कुल एग्जैक्ट कटिंग हो रही है बेटा आपकी, 2 moles, very good. This is exactly 2 moles. Clear, beta? Is this clear? अच्छा, एक न्यूमेरिकल है, अब मैं आपको करवाऊंगी, इसकी थोड़ी कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है? बट ये फॉर्म का भी करवाना जरूरी है ताकि आपको सारे फॉर्म्स जो है वो क्लियर हो जाए। सी, राइट डाउन वन न्यूमेरिकल, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, आपने मोल्स भी निकालने हैं, यू हैव टू फाइंड द मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपने दोनों चीजें निकालनी हैं, ओके? ऑफ क्लोरोफॉर्म, जस्ट गिव मी द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, आपको नहीं पता होगा, है ना? तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद रखना है CHCl3, this is chloroform, this is chloroform, ये आपको गिवन होगा, ठीक है? CHCl3 weighing 0.0239 grams, थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है? 0.0239 ग्राम। अब देखो, तीन चीजों में से आपको दो चीजें उन्होंने कहा है निकालने को, एंड दे हैव गिवन यू वन थिंग, दैट इज मास। तो इसको यहां पे रखो, ये चीज मुझे गिवन है, ओके? दिस इज गिवन टू मी, यहां से मैं डायरेक्टली वहां तक तो जा नहीं सकती, आई कैंट गो डायरेक्टली, हम एटम्स तक तो नहीं जा सकते, है ना? क्योंकि बीच में हमारे क्या आ रहे हैं, मोल्स आ रहे हैं। सो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द मास एंड वी विल बी फर्स्टली गोइंग टू द मोल्स। तो मास से हम मोल्स निकाल लेंगे, निकल जाएंगे, फिर हम मोल्स से कहां तक चले जाएंगे, एटम्स पे। इज दिस क्लियर? क्या किया हमने, यहां से हम सीधा वहां तक नहीं जा सकते हैं, तो पहले निकालो मास से मोल्स, फिर मोल्स से निकालो एटम्स। चलिए स्टार्ट डूइंग नाउ, स्टार्ट डूइंग। देखो, गिवन मास 0.0239, दिस इज द गिवन मास। अब वो आपको क्या कह रहा है कि जब आपने गिवन मास से मोल्स में जाना है तो आप डिवाइड करो, वी विल बी फॉलोइंग दिस एरो, डिवीजन एरो, राइट? डिवाइड किसके साथ करना है, मोलर मास के साथ करना है। पहले क्लोरोफॉर्म का मोलर मास निकालो, फिर व्हाट इज द मोलर मास ऑफ CHCl3। हां जी, क्विकली गिव मी द आंसर, what is the molar mass of CHCl3? So Jayati has given the answer 109.5. Okay, is it clear? ये step clear है? Is this step clear? तो given mass से हम किस में गए हैं, सबसे पहले moles में गए हैं, जो आपको given mass था उससे आपने multiply कर दिया है with the molar mass of CHCl3. Give me the answer.
कैलकुलेशन देख लेना, थोड़ी सी नेगेटिव में जाएगी ये, मतलब आपके पास 0.00 समथिंग करके आएगा। तो इफ यू आर एक्सपर्ट इन मैथ्स देन यू कैन कन्वर्ट देम इनटू 10^-2 की पावर्स में, अदरवाइज यू कैन गिव योर आंसर। ठीक है, फिर मैं उसको आपको कन्वर्ट करके दे देती हूँ। इफ यू सी 119.5 के टेबल पे डायरेक्टली 2 पे 239 जा रहा है, जा रहा है, ठीक है, तो योर आंसर विल बी 0.0002। वेरी गुड, योर आंसर विल बी 0. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, योर आंसर विल बी 0.0002। और यू कैन कन्वर्ट इट इंटू 2 × 10^-4, क्या निकाले हमने, मोल्स। इज दिस स्टेप क्लियर टू यू? आइदर यू कैन राइट 0.002 और आइदर यू कैन राइट 2 × 10^-4 मोल्स। मैं दोनों वैसे करवा रही हूँ, आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे लिख सकते हो। ओके राइट, उसके बाद अब हम मोल्स पे आ गए। अब ये जो वैल्यू आपने निकाली है, अब इसी को ही हम यूज करेंगे। ठीक है, अब जो वैल्यू आपने निकाली है इसी को ही आप यूज करोगे और फिर आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे विद द एवोगैड्रो नंबर, और यू मल्टीप्लाई दिस विद द एवोगैड्रो नंबर। तो इस 2 × 10^-4 को मल्टीप्लाई कर दो विद द एवोगैड्रो नंबर। अब ये 2 स्टेप था। सी, पहले इधर देखो एक मिनट, ये चीज आपने 2 स्टेप में की है, सेम चीज आप 1 स्टेप में कर सकते हो। 0.0239/119.5 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 × 10^20। इफ यू वांट टू डू दिस इन अ सिंगल स्टेप, यही करेंगे ना हम। ये मोल्स आए यहां तक, मोल्स आने के बाद हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रो नंबर के साथ। तो आइदर यू कैन डू दैट इन 2 स्टेप्स और आइदर यू कैन डू दैट इन 1 सिंगल स्टेप। ठीक है, तो अब आप जैसे मर्जी आंसर दे दो मुझे, क्योंकि अब आपने फर्स्ट स्टेप फॉलो कर लिया हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप में ये जो आपका निकला है इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। सो योर आंसर इज 12.044 × 10^19 एटम्स। वेरी गुड, क्या पूछा थे हमसे, एटम्स पूछे थे, पार्टिकल्स पूछे हमने। ओके, यू सिंपली हैव टू राइट डाउन द पार्टिकल्स, जो भी पूछा है बस वो लिख दो। एटम्स पूछे एटम्स लिख दो, पार्टिकल्स पूछे हैं पार्टिकल्स। इज दिस क्लियर? ओके, आई विल बी गिविंग यू वन असाइनमेंट क्वेश्चंस आल्सो, जिसमें आप हर एक तरह की जो क्वेश्चंस है वो कवर करोगे। बट अभी हमने 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं, जब हम मोल से मास में जा रहे हैं, मास से मोल्स में जा रहे हैं, मोल से एटम्स में, या एटम से मोल्स में, या आपको तीनों में से एक चीज गिवन है एंड यू आर मूविंग इधर से इधर फिर इधर, या इधर से इधर फिर उधर। ओके, तो राइट डाउन 1 मोर न्यूमेरिकल फॉर योर होमवर्क, विच हैज मोर एटम्स, विच हैज मोर एटम्स। हां जी बेटा धीरेन्द्र, दे आर सेम, पार्टिकल्स, एटम्स, नंबर, मॉलिक्यूल्स, जो भी लिखा होगा वो सारी चीजें, मतलब आप नंबर को ही एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, 50 ग्राम ऑफ आयरन Fe, जिसका मास होता है 56 ग्राम, एंड 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मास आपको पता है, आई होप। यू हैव टू कैलकुलेट विच इज हैविंग मोर एटम्स। ठीक है जी, तो आपको जी 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 मीन्स यू आर गिवन विद द मास, अगेन मास से आपने एटम्स में जाना है, तो पहले मोल्स निकालो फिर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो यू कैन सॉल्व इट आइदर हेयर और यू कैन सॉल्व इट फ्रॉम योर होम ऑल्सो। स्टार्ट कर दो, ठीक है, बिकॉज वी आर हैविंग 1 मिनट, तो स्टार्ट कर लो, फिर कल मुझे आंसर बता देना इसका। स्टार्ट डूइंग बेटा।
थोड़ा मैं डिफिकल्ट वाले भी दूंगी न्यूमेरिकल्स, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? ये नहीं है कि सिंपल कैलकुलेशंस वाले ही हमेशा दूंगी मैं, ओके? सो इन ऑर्डर टू जस्ट डू द प्रैक्टिस, तो मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन जिसमें आप एटम्स को वेरी कर करके देख रहे हो, ओके, पावर्स का चेंज करके, पॉइंट्स वाली वैल्यूज, तो वो सारे हम देखेंगे। रमनीक इज वेरी क्विक। सो दैट इज फॉर योर होमवर्क बेटा, ठीक है? कल सॉल्व करके रखना। ओके, फॉर द आयरन नित्या हैज गिवन द आंसर एज 5.419 इनटू 10^23, बट द एग्जैक्ट आंसर इज 5.3 नित्या, इफ यू कैन सी 5.38 इनटू 10^23 ऑफ आयरन। एनीवन हु हैज सॉल्व फॉर एल्युमिनियम? एनीवन सॉल्व फॉर एल्युमिनियम नाउ? चलिए, ये होमवर्क है आपका, ठीक है? तो आपने मुझे कल आंसर्स बताने हैं इसके।